हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल। मैं अमिता, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं मखाना वॉलनट टिक्की। यह है नवरात्रा स्पेशल, जो लोग व्रत रखते हैं खास उनके लिए। तो यह डिश मखाना और वॉलनट दोनों का कम्बो जो है पावर पैक है। पावर पैक इसलिए क्योंकि मखाना जो है हमें प्रोटीन मिलती है और अखरोट जो है ओमेगा 3 का गुणों से भरपूर है। तो चलिए आइए देख लेते हैं इसके लिए हमें क्या क्या सामग्री की ज़रूरत है। हमने लिया है यहाँ 1/4 कप पनीर, जिसे हम ग्रेट कर लिए। ये 100 ग्राम है वेट में। और हमने ये हंकट दही लिया है छोटे कप से 1 कप। हंकट दही उसे कहते हैं, इसका एक्स्ट्रा पानी जो हमने 1 घंटे के लिए छलनी में डाल दिया था, जितना भी पानी एक्स्ट्रा था वो निकल गया और इसमें पानी का अंश बिल्कुल नहीं है, कुछ इस प्रकार देख पा रहे हैं। चलिए, वॉलनट है इसलिए हमने 2 बड़े चम्मच अखरोट के दाने लिए हैं, जिसको हम क्रश कर देंगे या टुकड़े टुकड़े में कर देंगे। 1 स्पून अदरक, जिसे हम ग्रेट कर लिए हैं, और स्वाद अनुसार नमक, 1/2 स्पून ब्लैक पेपर जिसे हम दरदरी कूट लिए हैं, और जाएगी धनिया पत्ता। धनिया पत्ता आप ढेर से अपना ढेर सारे, एक मुट्ठी तकरीबन भी डाल सकते हैं, हम यहाँ कम डाल रहे हैं। 1 हरी मिर्च, हरी मिर्च भी आप अपने अकॉर्डिंग। और मखाना का डिश है इसलिए हमने यहाँ मखाना लिया, लेकिन इसमें हम मखाना तकरीबन 2 चम्मच डालेंगे इसका पाउडर। इसको हमने मखाना को सबसे पहले रोस्ट कर लिया है बिना घी और तेल का, और उसके बाद हम इसको मिक्सी के जार में पीस लेंगे इसे। और वही साबूदाना लिए हैं, इसे भी हम इसे बारीक मिक्सी में पीस लेंगे। पीस के दोनों को छलनी से छान लेंगे और यहाँ 2 चम्मच डालेंगे। बट आप सोच रहे होंगे कि इतना ज़्यादा है, 2 चम्मच डाल रहे हैं, इसका आपको वीडियो में पता चल जाएगा, लास्ट में हम कुछ करने वाले हैं इसका। तो चलिए सबसे पहले हम इस दोनों को पीस लेते हैं। चलिए, हमने इसको पीस के छान भी लिए हैं और हमने इसको मखाना को भी पीस लिया है। और अखरोट को हमने क्या किया, इसे ग्रेट ही कर लिया कुछ इस प्रकार। चलिए, ये 2 बड़े 3 चम्मच है। चलिए बनाना शुरू करते हैं। अब सबसे हाथ साफ हाथों से पनीर को हमने जो ग्रेट किया है उसे मसल के चिकना करना है इसको। इसे तकरीबन मैश करने में हमको 5 से 6-7 मिनट लग गया, इसलिए इसे आपको इतना क्रीमी करना होगा ताकि ये बिल्कुल, इसका टेक्सचर जो है बिल्कुल क्रीम की तरह होना चाहिए, ध्यान रहे, नहीं तो टिक्की आपकी फट सकती है। कुछ इस प्रकार हमने कर लिया। चलिए, अब अभी सभी सामग्री को इसमें हम मिला देते हैं। अदरक, धनिया, हरी मिर्च, ब्लैक पेपर, अखरोट और ये दही जो हम मिक्स कर देंगे। दिखाओ, अब डालेंगे हम सेंधा नमक, यहाँ डाल रहे हैं, ध्यान रहे। अब 2 बड़े चम्मच साबूदाना का आटा, वहीं 3 बड़े चम्मच मखाना। अब ये जो बचा है ना आटा, ये साबूदाना का पाउडर और मखाना का पाउडर, दोनों को मिक्स करके हम जो ये टिक्की बनाएंगे इसमें हम कोट करेंगे, इसीलिए हमने ज़्यादा एक्स्ट्रा आटा लिया था इसका। चलो मिक्स कर लेते हैं हाथों से। जब हम मिक्स किए ना तो देख रहे हैं कि गीला है थोड़ा सा। अब गीला है तो इसके लिए हमें क्या करना है, हमने तो बोला तो 2-3 बड़े चम्मच, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है, आप थोड़ा सा साबूदाना का आटा और मिला दें। चलिए, ये आटा हम मिक्स का डो बनकर तैयार हो गया। अब हम क्या करेंगे, अब हम इसके छोटे छोटे आकार, एक टिक्की का शेप लेके छोटा छोटा बॉल्स लेके, एक गोलाकार और चपटा थोड़ा सा टिक्की का जैसे आकार होता है, इसे हम दे देंगे। चलिए, इसी तरह कुछ टिक्की बना के तैयार कर लेते हैं।
चलिए हमने सारे टिक्की के आकार का बना लिया है कुछ इस प्रकार। अब क्या करेंगे, ये मखाना का फ्लार और इसको हम साबुदाना का फ्लार डाल के सभी को मिक्स कर लेंगे। चलिए अब हम ये सारे टिक्की को इसके ऊपर कोट कर लेंगे, अच्छे से इसे कोट करके तैयार कर लेंगे। चलिए सभी को हमने कोट कर लिया है, अब बढ़ते हैं नेक्स्ट प्रोसेस की तरफ और गैस की तरफ, गैस चलते हैं। गैस की तरफ बढ़ने से पहले एक बात बताते हैं, जिसके पास ओवन है ना वो क्या करेंगे, इसे 180 डिग्री पे 15 मिनट के लिए एयर फ्राई करके भी खा सकते हैं, क्योंकि व्रत में ज़्यादा ऑयली अगर नहीं खाना चाहते हैं तो। लेकिन मैं यहाँ आज सेलो फ्राई करूँगी। हमने लिया है तवा, आप चाहें तो नॉन स्टिक में भी बना सकते हैं, फ्राई पैन में भी बना सकते हैं। अब यहाँ तवा को थोड़ा सा गर्म कर लें 5 मिनट के लिए, ताकि चिपके ना टिक्के। और हम यहाँ पर डाल रहे हैं, तेल में बनाइए, घी में बनाइए, जैसे आपकी मर्जी हो। चारों तरफ तेल को साइड फैलाते हुए पूरा तवा फैला लें, ताकि एक दूसरे से चिपके नहीं। गैस की फ्लेम लो टू मीडियम रखें। तेल हमारा गर्म हो गया है, ऐसे करते हैं तो गर्म लगने लगता है, इसका मतलब है तेल हमारा गर्म हो गया है। अब हम सभी टिक्की को डाल देते हैं। अब सभी टिक्की को एक बार दोनों साइड गोल्डन ब्राउन होने तक इसे सेक लेंगे। जब आप एक वन साइड सभी को अगर पलट लेते हैं, फिर से दोबारा थोड़ी सी हल्का इसके चारों तरफ फैलाते हुए इसे यहाँ तेल को डाल देंगे। चलिए देखिए कुछ इस प्रकार दोनों साइड क्रिस्पी होने तक इसे फ्राई कर लिए हैं। इसे अब प्लेट में ट्रांसफर कर लेते हैं, गैस को करते हैं ऑफ, उसके बाद हम इसे सर्व कर लेते हैं। चलिए हमने इसे धनिया और पुदीने की चटनी के साथ सर्व किए हैं। आप इसे मनपसंद अपनी जो आपकी चॉइस है उसके साथ खा सकते हैं, तो बनाना आसान है बिल्कुल। और अच्छा, जो लोग नवरात्रि व्रत नहीं रखते हैं वो इसे कैसे खाएं, इसमें सभी चीज़ मिला के उसमें प्याज भी डाल दें और सभी मसाले भी डाल दें, जैसे लाइक धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, लाल मिर्च, जितने भी हैं मसाले जो डलती है वो डाल दें, और उसके बाद थोड़ा सा अरारोट पाउडर डाल के उसे मिक्स कर लें, उसके बाद टिक्की को बना के सेक लें। तो चलिए इसी तरह बनाइए और अपने व्रत को एंजॉय कीजिए। आई होप कि मेरी छोटी सी वीडियो आपको पसंद आया हो। अगर मेरी वीडियो पसंद आया हो तो लाइक करें, अगर पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो सब्सक्राइब करें। जो वीडियो मेरा पसंद ज़्यादा लगे उस कमेंट करके बताएं कि कौन सा वीडियो आप देखना पसंद करते हैं। और हाँ, साथ में बेल आइकॉन को प्रेस करना ना भूलें, ताकि हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। मस्त रहें, स्वस्थ रहें, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।